आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टू। तो इसमें मैंने 125 ग्राम तेल डाला और ये बड़ी इलायची है और 3 अदरक ये दालचीनी है, ये जीरा और काली मिर्चियाँ 8-10 दाने इसके हैं काली मिर्चों के, और ये जीरा है। इसमें डाल रही हूँ ये चिकन डाल के ज़रा इसको मैं भून रही हूँ तेल के अंदर, इसका पानी भी खुशक हो जाएगा और गोश्त में ना खस्तापन आ जाता है। और अब इसको मैं निकाल लूँगी, ये प्याज है, प्याज डाल रही हूँ, प्याज जो है मैंने बारीक बारीक काट लिया इसका प्याज को, और ये मेरे पास 300 ग्राम प्याज है। गरम मसाला मैंने पहले से डाल दिए, हल्दी है ये 1/2 चम्मच, आठ से दस ये साबुत मिर्ची हैं और इनको मैंने 3-3 टुकड़ों में करके काट लिया। सवा धनिया, अच्छा 1 चम्मच काली मिर्च हैं किसी भी, और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब इसको जो है मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल हल्की आंच कर दी है मैंने कि जले नहीं है। इस तरह से और ये साथ में ये टमाटर जो है, ये मेरे पास 250 ग्राम टमाटर है और ये भी मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं। अब चिकन जो है वो उसको मैंने अच्छी तरह से भून लिए और अब ये हल्की आंच पे रखूँगी, ज़रा टमाटर भी भून जाएंगे और फिर अभी मैं दिखाती हूँ। अच्छा अभी मैं बीच में ही नहीं दिखा पाई थी, गैस में दरअसल मसला हो जाता है, गैस की जो लेन है उसमें पानी भर जाता है और मीटर में जब उसका पानी निकालो जब उसमें भी गैस आती है, रोज़ाना निकालना पड़ता है उसका पानी गैस मीटर में से, कल भी इतना सारा पानी निकाला है। अच्छा अब ये मुरझा गई प्याज, अब इसमें चिकन डाल लेंगे। अब इसके डाल के इस तरह से चिकन, क्योंकि हमने तो भून लिया है ऐसे, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं। अब बारीक बारीक मैंने प्याज काटी हुई चिकन का है, और अगर गोश्त होता ना तो उसमें बड़ी प्याज काट के डाल देती मैं। थोड़ा सा पानी डालूँगी इस तरह से, जो बीच में लग रहा है ना ये फिर जलेगा नहीं, नहीं तो ज़्यादा फिर जलता रहेगा। इस तरह से इसको प्याज जो है ना वो भी घुल जाएगी चलाने से, और टमाटर जो है वो भी घुल जाएंगे।
देखते हैं चूल्हा तेज़ हुआ, वो गैस गैस तेज़ हो गई है। गैस का इतना मसला होगा, कभी दोपहर को बंद हो जाता है गैस। अब ये पानी डाल दिया, इसमें चिकन भी खूब अच्छी तरह से गल जाएगी, आधा गिलास से ज़्यादा है ये पानी। और प्याज भी, और जो इसका चिकन का जो जूस है ना वो भी निकले आएगा, मसाले में आ जाएगा। ये तैयार होगा फिर दिखाती हूँ। ये हरी मिर्ची मैंने काट के डाल दी है, इस तरह से मिक्स कर दिया मैंने। और हरी मिर्चों की जो खुशबू और महक होती है ना, ये बहुत लाजवाब होती है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको ठंडा करूँगी ना, तो ये तार जो है इसके ऊपर, तेल जो है ना ये ऊपर आ जाएगा। और ये देखें तार जो है ये इसका सालन का, अब यह ऊपर आ रहा है और चूल्हा में बंद कर देंगे। चूल्हा बंद कर दिए, अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। तो डिश आउट कर दिया मैंने, और इसको मेरे तरीके से बनाएं आप, क्योंकि स्टू में हल्का हल्का सा जो होता है ना, ये देखिए प्याज हल्का हल्का सा है, तो मैंने इसको चकोर यानी कि काट के डाला था बारीक बारीक। चिकन का है, और अगर हम गोश्त में पकाते हैं उसमें बिल्कुल ही ज़रा घुल जाता है। तो मेरे तरीके से बनाएंगे, और मुझे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये चिकन स्टू कैसा लगा है। और मैं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आप लोगों को, मोबाइल मेरा खो गया था, उसमें मेरी आईडी बनी हुई थी, और अब ये नई आईडी बनाई है मैंने। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, आप लोग नहीं है फॉलो करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, जैसे मेरी पिछली वीडियो में आप लोग करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया।